तो ये देखें जी, ये है हाफ फ्लेवर का, आपको पहले बता दी मैंने, चिकन टिक्का फ्लेवर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई, होप सब खैर होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो अब तक आसानी पहुंच सके। छुट्टी है आज, और आज काफ़ी सारे काम भी हैं, और वो मैं इंशाल्लाह हम साथ मिलके करेंगे। सबसे पहले मैं जाने लगा हूँ हवेली, उसके बाद जाना है मुझे किंगरा टाउन, उधर से नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर पाई ले के आएंगे। ये दो काम करने के बाद फिर हम वापस आते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या क्या करना है। तो वीडियो को आपने मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है, बड़ा मज़े वाला जो व्लॉग होगा, क्योंकि छुट्टी है आज, थोड़ी इंटरटेन भी होगी, आपके साथ भी रहेंगे। आशा भी नीचे उठी हुई है, मुझे कह रही थी कि मुझे साथ लेके चलो या मुझे झूला दो, क्योंकि आज सर्दी है और मौसम आप देख लें, हल्का सा सूरज निकला हुआ है और ऊपर देख लें बादल छाए हुए हैं, इस वजह से हम उसे साथ नहीं लेके जाएंगे। ये देख लें आप, नज़र आ रहे हैं आपको बादल थोड़े थोड़े, तो आज सर्दी भी है भाई। घर में जो लगाया था अमरूद, ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया, लेकिन अब देखें इस पर फल कब पड़ेगा, ये अब इस इंतज़ार में है कि भाई जल्दी से फल पड़ेगा और फिर हम खाएंगे, लेकिन ये सदाबहार नहीं है, अब देखें कब फल पड़ता। आशा को मिलते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। तो लें भाई, आशा तो अभी उठ गई है और कह रही मुझे साथ लेके जो, भाई साथ नहीं लेके जा, मेरी बात सुनो, वो कहो बेबी किधर है, बेबी बेबी किधर है, बेबी आओ, बेबी को वास लगाओ, वो बेबी किधर है, किधर किधर है बेबी, बेबी किधर कहती है भाई सिस्टर आई हुए हैं, तो उनका बेटा माशाल्लाह, तो उसे कहती है बेबी बेबी के पास जाना है, तो बेबी अभी उधर सिस्टर के घर है, तो जब आएगा फिर आपको खिलाएंगे, ठीक है। अभी मैं जाने लगा हूँ भाई किंगरा, आप इधर लेटो कर, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, इधर देखो मेरी, बाय बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय कर दो, आए उमा कर दो, उमा करो मुझे, मुझे उमा उमा ही करो ना, पहले उमा करो, उमा और तेरी उमा कर दिया, चलो अब चलते हैं। अच्छा को भाई छोड़ा मैं घर, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, इसलिए उसे साथ नहीं लेके आए, और झूला भी आज उसका मिस से उधर से होकर आगे फिर देंगे इंशाल्लाह। इन पे आ गए हैं, ये देख लें भाई, ये दाने हैं, ये मुंजी है जो एक बरकत, तो ये देख लें काफ़ी ज़्यादा नीचे दाने पड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह भी काम होता है रात को भी होता है। दूसरा ये वाला भाई हमारा सेलर है, ठीक है ना, ये स्टॉक किया है हमने गंदम, ताकि कुछ लोग आटा लेने के लिए आते हैं सर्दियों में, तो ये देख लें मोटर लगाई हुई है साथ में सेलर, तो इधर जो है ना वो अब जो फक जाती है वो उधर जाती है, ये सारा ये भाई बाल्टियाँ रखी हुई हैं जैसे ले रहे हैं, इसके अंदर जाते हैं भाई चावल, वो देखा कुछ नज़र आ रहे होंगे आपको, तो ये सिस्टम है सब भाई, क्योंकि लोग अभी मुझे लेके आ रहे हैं और सीज़न है, ये सीज़न जब ख़त्म होगा उसके बाद ही लोग दूसरे काम करेंगे, तो मुझे का सीज़न आपको पता है कि लोग चावल ले मुझे लेके आ रहे हैं, फिर चावल लेके जाते हैं इधर से। और ये देख लें कुछ ये वाले आटे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये लोगों के नाम लिख देते हैं ताकि बाद में कोई मसला ना हो, जितने होते दाने होते हैं वो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना, ये नाम लिखे हुए हैं और जिस इसके दाने वो मिल जाएंगे उसके, तो ये पहले भी आपको मैंने दिखाई थी ये दोनों मशीनें, उसके बाद इसके साथ ये मोटर है, तो ये देख लें, ये ऊपर छत जो है हमने बाद में डाला था, पहले जो है ना वो ख़राब हो गया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये छोटा सा सेटअप है हमारे इधर गाँव में, अल्लाह का शुक्र है। तो अबू जान मेरा ख्याल नाश्ता करने गए हैं, तो मैं भी अभी जाने लगा हूँ टाउन, तो मेरे काम में भी फिलहाल इतना नहीं है, तो वापसी पे आके हम फिर इंशाल्लाह देखेंगे क्या करना है। तो मैं अभी जा रहा हूँ जनाब किंगरा में, उधर से पाए लेने हैं और नाश्ता करना है, पाए ले के आते हैं, उस दिन मैंने लिए थे शायद 1500 के लिए थे मैंने चार, और डेली का रेट होता, देखें क्या बन रहा है, तो मिलते हैं ये नहीं मिलते, क्योंकि लोग पहले ही लेके चले जाते हैं, डिमांड पहले होती है लोग, वो देख लें दूर दूर तक आपको नजर आ रही होगी भाई, धुंध पड़ी हुई है लेकिन सुबह पड़ती है, अब ये चेक करें, और लोगों ने अपनी फसल भी काफी हद तक काट ली है, दूर दूर तक आप देखें तो आपको बहुत कम नजर आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा फल था इस दफा, तो अल्लाह का शुक्र है कि सब अपने अपनी फसल को कर ले आए, ओ सामने दो नाश्ता होगा इधर से हलवा पूरी का, ये चेक करें, ये देखें जी हलवा चने और साथ में दो पूड़ी हैं, अभी इसका करते हैं नाश्ता मजे से। जनाब नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद पाए भी मैंने ले लिए हैं, चार बोला था उसे, लेकिन कहता कि भाई दो सेल हो गए हैं तो दो ही आपको मिलेंगे, मैंने कहा चलें आप दो ही दे, तो ये लेके चलते हैं सिस्टर की तरफ,
वो बनाएंगे और फिर रात को हम इंशाल्लाह खाएंगे। तो कल मैंने उसे बोला कि भाई कल मुझे चार सही कहता है भाई आप ले जाओ, अभी चलते हैं घर पहुँच कर फिर जना देते हैं आपसे। उधर से होके अभी हम आए हैं ZFC और ZFC से कुछ खाने को दिल कर रहा था क्योंकि छुट्टी सोचा कि यार कुछ इंटरटेनमेंट हो जाए। अभी जनाब ऑर्डर दिए पिज्जे का और मीडियम लार्ज नहीं मीडियम क्योंकि मीडियम खाया जाए ये काफ़ी है। तो चिकन टिक्का ये मेरा फेवरेट भी है और चिकन मलाई यानी चिकन टिक्का चिकन फजीता और चिकन मलाई ये तीन पिज्जे मेरे फेवरेट है। पाँच ही आ रहे हैं मुंह में, आप इनके रेट चेक करवाते हैं आप देखिएगा। ये देख लें जी इनके रेट टिक्का, सबसे पहले जब डील में देखें ये पहली डील है, उसके बाद ये वाली हमने लगाई है और बाद में ये तीन चार पाँच डील है। तो ये कुछ इनके फ्लेवर हैं जो आपको मिलेंगे, ये मीडियम लार्ज एक्सल लार्ज माल में और इधर ये सारे ये देखें सबसे पहले ये वाला बड़ा टेस्टी है। इधर भी चेक कर ले, इधर भाई दूसरी साइड पे पास्ता भी चिकन चीज स्टिक मिलेगा लेकिन इतना टेस्ट नहीं होता मैंने खाई है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इधर से। तो ये देखें जी ये है हाफ फ्लेवर का, आपको पहले बता दी मैंने चिकन टिक्का फ्लेवर है और चीज़ मेरे पसंद की लगाई है मैंने, साथ में ये कुछ हॉट विंग्स हैं ये देख लें ये डील के अंदर थी और डील के अंदर भाई एक साथ में ये कोल्ड ड्रिंक भी है। तकरीबन खाने लगा हूँ पूरे एक माह बाद, इससे पहले मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया था खाने के बाद। पिज़्ज़ा खाने के बाद जनाब मैंने चेंज कर लिया है, मैं जाने लगा हूँ हवेली, काम है भाई उधर मशीन पे, अबू जान थक गए हुए हैं तो सोचा कि चलो मैं जाके जो काम है वो मुकम्मल करता हूँ। चार्जर साथ ले लिया क्योंकि बैटरी लो है इसलिए। तो ले भाई आ गए हैं मशीन पर और काम देख लें मैं कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर तक काम ख़त्म हो जाएगा। तो भाई ये देख लें ये पीछे देखें ये वाली ग्राइंडर चली हुई है दूसरी अभी नहीं, तो आपका भाई काम करता हुआ नज़र आ रहा है तो इंशाल्लाह और भी काम साथ साथ करना है। ये देखते जाएं अभी ये दूसरी मशीन चलाई हुई है इसे ग्राइंडर बोलते हैं और सारा का सारा काम जो कर रहा हूँ मैं इस पर कर रहा हूँ क्योंकि ये साथ में जो है इसे हम चक्की बोलते हैं जो पुर वाली चक्की होती है उस पर कुछ लोग कहते हैं हमें इस पे आटा पीस के दे, कुछ कहते हैं हमें ग्राइंडर पे। तो ये जो मैं आटा निकाल रहा हूँ ये बहुत गर्म होता है ये देखें, ठीक है ना, ये गर्म तो ज़रूर होता है लेकिन सर्दी में बहुत ज़्यादा सुकून होता है, पूरा का पूरा कमरा जो है ना वो गर्म होता है। तो ये बाल्टी में डालते हैं आटा, फिर उसके बाद हम तोरे के अंदर डालते हैं ताकि कोई मसला ना हो, ऐसे आटा बाहर ना निकल आए। तो भाई हैंड फ्री लगाए हुए हैं, नाते लगाए हुए हैं, बस इंजॉय के साथ 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 काम कर रहे हैं, साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो ये ग्राइंडर चलाई हुई है, बाद में जनाब चावल भी हैं कुछ वो भी लोगों को निकाल के देने हैं क्योंकि वो भी लोग लेके आए हुए हैं, तो जिन लोगों के होते हैं उनको हम निकाल के दे देते हैं क्योंकि सेलर का ज़्यादा काम है। तो सेलर पे ये देखें अब चावल, ये देखें जी चावल निकल रहे हैं, ये देखें अब दूसरी दफ़ा डालेंगे तो फिर बिल्कुल पॉलिश होकर निकलेंगे। तो भाई ये चेक करें ऊपर मुंजी डाली हुई है और लोग आए हैं लेके काफ़ी ज़्यादा, इधर से निकलते हैं सारे के सारे चावल बाहर। थकावट आज बहुत ज़्यादा होगी हुई है भाई, काम थोड़ा ज़ोर वाला होता है। तो ये देखें लड़के ने उठा लिया तोरा, अभी ऊपर डालेगा और इस तरह से फिर नीचे चावल निकलना शुरू हो जाएंगे। ये काम बेहतर है पहले की नस्बत से, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था लेकिन अब ये ठीक है, ये डाल दिए जनाब चेक करें। नहीं गाइस मैं काम करके घर आया था, आके ना फ्रेश हुआ नहाया हूँ, नहाने के बाद भी मैं सिस्टर की तरफ आया हूँ, कह रहे थे कि खाना आपने इधर खाना, मैंने कहा चलें ठीक है इधर ही खाएंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, बहुत बहुत ज़्यादा, बड़ी देर बाद इतना काम किया। पहले ये तो था कि हम डेली रूटीन पर करते थे लेकिन अब
कभी कभी करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम डेली बेस पे ही किया करेंगे, क्योंकि इससे बंदा फिट भी रहता है और दूसरा बेथकावट भी इतनी नहीं होती। इंशाल्लाह फिर हम रेगुलर हो जाएंगे। और ये देख रहे हैं पॉलर सिस्टम, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं मतलब गांव में, और लोग भी आते हैं मतलब इधर से गांव से, फिर दूसरे गांव से भी आते हैं, और माशाल्लाह काफ़ी इनका काम भी है, क्योंकि जो भी काम होता है वो सफाई का काम होता है, फिर लोग आपके पास आएंगे। अभी जनाब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर आज सुकून से सोना है, सुबह ड्यूटी पे जाना क्योंकि आज छुट्टी, इसलिए इंशाल्लाह हम डेली पे ही काम किया करेंगे। और लुक देख रहे हैं मोबाइल की, 11 है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चेंज करेंगे बहुत जल्द, 14 प्रो लेंगे ये सेल करके। अपने बहुत से दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाई को दें, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।